नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आज हम बात करते हैं, देखिए बीजेपी नेता ने पोस्ट की राहुल गांधी की आपत्तिजनक तस्वीर, कांग्रेस ने की गिरफ्तारी की मांग। 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीतने के लिए तरह तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, कह सकते हैं साम दाम दंड भेद हर तरीके का अपनाया जा रहा है। लेकिन राजनीति में इस तरह की जो हरकत की जाती है, आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं या वायरल की जाती हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर गिराता है। इससे नेताओं को बचना चाहिए और साथ ही साथ इससे जो है पता भी चलता है कि आखिरकार जिस तरह की पोस्ट की गई है तस्वीरें और जिस तरह से राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाता है। इससे रिपोर्ट्स की तरफ मैं रुक कर लेता हूं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ आदिवासी नेता भीमा मांडवी ने फेसबुक पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की। इस पोस्ट के बाद कांग्रेस ने बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की है। हालांकि राहुल गांधी की इन तस्वीरों को फेसबुक से हटाते हुए बीजेपी नेता ने इस पर खुद भी खेद जताया। तो देखिए जिस तरह से बीजेपी की नेता ने की है ये बात, इस तरह से तस्वीर पोस्ट की, ये कहीं ना कहीं गलत है। और अगर मैं बात करूँ बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की भी नेता अगर इस तरह की किसी भी नेताओं की जो है झूठी जो है तस्वीरें वायरल करते हैं या पोस्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर गिराता है। इससे केवल और केवल पार्टी की छवि खराब होती है और जनता में जो मैसेज जाता है पार्टी को लेकर, वो बहुत गलत जाता है। तो जिस तरह से बीजेपी की नेता ने इस पर खेद भी प्रकट किया है, तो देखिए तस्वीरें पोस्ट करने से पहले बीजेपी नेताओं को ध्यान में रख लेना चाहिए था कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की गलती उन्होंने की है, ये गलतियां कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ सकती हैं। कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है। तो जिस तरह से बीजेपी की तरफ से गलतियां की जा रही हैं बार बार लगातार, ये गलतियां उन्हें यानी कि बीजेपी को लेकर डूब सकती हैं और बीजेपी चुनाव हार सकती है, विधानसभा चुनाव का भी और लोकसभा चुनाव का भी। रिपोर्ट्स की तरफ रुख कर लेता हूं। लेकिन देखिए राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेताओं के खिलाफ मोर्चा बोल दिया, हल्ला बोल दिया। कांग्रेस ने कहा कि इस घटना से बीजेपी की ओछी मानसिकता सामने आई। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीते सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया और कहा कि जो नेता है वो माफी मांगे, जैसा कि उन्होंने खेद भी प्रकट किया। और साथ ही साथ ये उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेताओं की मानसिकता समझ में आती है इस बात से कि आखिरकार वो किस मानसिकता से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दूं 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी तमाम तरह की कोशिशें करने में जुटी है कि आखिरकार चुनाव कैसे जीता जाए। आपको दिखाता हूं किस तरह की तैयारियां कर रही है बीजेपी और चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीतियां बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था कि बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को और मजबूत बनाने और पार्टी के विकास एजेंडे को गरीबों तक पहुंचाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सिंह ने कहा, हमने अपने सुशासन के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की और मुख्यमंत्रियों ने बताया कि वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक हर घर में बिजली पहुँचाने और 2022 तक सभी परिवारों को घर मुहैया करवाने का फैसला लिया गया है। भाजपा के एक मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश में केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में प्रस्तुति दी और आगे की कार्य योजना पेश की। बैठक के दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय बजट में प्रस्तावित योजनाओं को आने वाले समय में अपने अपने प्रदेशों में लागू करने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में योजनाओं को लागू करने की समीक्षा और जनता के बीच प्रभाव का आकलन करने को कहा। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उप मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह एवं कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्रियों के साथ व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा, इन परिस्थितियों में सरकार और पार्टी दोनों की कोशिश है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। इस वक्त देश के 19 राज्यों में भाजपा या फिर सहयोगियों के साथ उसकी सरकार है। पार्टी का मानना है कि अगर राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहना दिया जाए तो फिर इसका व्यापक असर पड़ेगा।
2018-19 के आम बजट में केंद्र सरकार ने गांव, गरीब और किसान पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। ऐसे में पार्टी का जोर इस बात पर है कि बजट के प्रावधानों को धरातल पर उतारा जाए। बैठक में देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने, किसानों को फसल के उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य देने के अलावा केंद्र सरकार की उज्ज्वल योजना, सौभाग्य योजना, जनधन योजना को लागू करने की विविध आयामों पर भी बात उन्होंने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का हमेशा से इस बात पर जोर रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य की जो योजनाएं हैं उनका लाभ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, विजय रूपाणी और कई नेता शामिल थे। तो देखा आपने किस तरह की तैयारियां कर रही है बीजेपी और चुनाव जीतने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर राजनीति में जिस तरह की ये ओछी हरकतें की जाती हैं, इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब होती है और इससे पार्टी की नेताओं की मानसिकता भी पता चलती है। रिपोर्ट्स की तरफ दोबारा रुख करता हूं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी को मिल रहे देशव्यापी जनसमर्थन से भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए। इसी बौखलाहट में बीजेपी नेतृत्व अपने नेताओं में इस प्रकार की आपत्तिजनक हरकत करवा रहा है। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि बीजेपी नेता भीमा मांडवी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री रमन सिंह का राज्य भर में पुतला जलाकर विरोध किया जाएगा, यानी कि राज्यभर में पुतला जलाकर उनका विरोध किया जाएगा और बीजेपी माफी मांगे इस पर। तो आपको बता दूं, देखिए कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है, कांग्रेस ने जमकर हमला बोल दिया है बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी जिस तरह से मुसीबतों में गिर गई है। तो आपको बता दूं 2019 का चुनाव भी नजदीक है और कांग्रेस उसको लेकर भी काफी तैयारियां करने में जुटी है और ऐसे में एक ये मुद्दा मिल गया। आपको यहाँ पर हम बताते हैं किस तरह की तैयारियां और किस तरह की रणनीतियां कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है और 2019 को लेकर क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट। 2019 का चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी काफी कोशिशें कर रहे हैं। आपको बता दें गुजरात में कांग्रेस प्रदर्शन पर राहुल गांधी काफी खुश हुए थे, लेकिन वो ये जानते हैं कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस को जीत के करीब लाने वाले नेता कांग्रेस के नहीं थे बल्कि बीजेपी विरोधी वो नेता थे जिन्होंने अपनी लाइफ के लिए गुजरात सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। राहुल गांधी को ऐसे नेता के साथ हर राज्य में चाहिए जहां पर उनकी सरकार नहीं है, लेकिन उनका मुकाबला बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह से है जो इस तरह के खेल में माहिर है। साल 2018 चुनाव का मौसम लेकर आया है पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ कर्नाटक और साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। चुनाव वाले राज्यों में से 3 में कांग्रेस की सरकार है, मेघालय, मिजोरम और कर्नाटक। कांग्रेस को इन राज्यों में अपनी सरकार बचानी है, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों में सेंधमारी करनी है। पर जिस लाभ लश्कर के साथ बीजेपी चुनाव में उतरती है क्या वो कांग्रेस के पास है? इस साल देश भर में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मार्च तक चुनाव होंगे, जबकि मिजोरम में नवंबर में चुनाव की खबर है। वहीं दक्षिण में कर्नाटक में अप्रैल या मई में चुनाव होंगे, जबकि हिंदी बेल्ट, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साल के अंत तक चुनाव होंगे। कांग्रेस को अपना गढ़ तो बचाना ही है, साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसानों के गुस्से की वजह से बड़े असंतोष का फायदा उठाना है। मेघालय में अभी मुकुल संगमा की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है, 60 सीटों के इस चुनाव में बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया है। वहीं त्रिपुरा में वामपंथियों का गढ़ है, बीजेपी पश्चिम बंगाल के बाद यहां पर कब्जा करना चाहती है। क्या राहुल गांधी को त्रिपुरा में वामपंथ का साथ मिलेगा? एक तरफ जहां कांग्रेस कर्नाटक में अपने आखिरी सियासी किले को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वहां कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर राज्य सरकार उखाड़ने की पूरी कोशिश करेगी। कर्नाटक में इस साल के आखिर में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, फिलहाल वहां कांटे की टक्कर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगा पाएगी सेंध? जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ की सरकारों को लेकर असंतोष काफी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पर घोटाले के आरोप की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, राजस्थान में वसुंधरा सरकार के खिलाफ काफी असंतोष देखा जा रहा है। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस तभी फायदा उठा पाएगी जब वो इन राज्यों इकाइयों में गुटबाजी खत्म कर दे। आपको बता दें कि 2019 में जल्दी लोकसभा के चुनाव भी हैं और ऐसे में कांग्रेस हर स्तर पर कोशिश कर रही है कि वो चुनाव जीत सके। इसी के तहत राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में अपनी टीम के सदस्यों को लाना चाहते हैं। 25 सदस्य इस समिति में कई युवा नेताओं की नियुक्ति की खबर है।
बताया जा रहा है कि उनकी टीम में अनुभवी नेताओं और युवा चेहरे शामिल होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुराने गार्ड के बीच कुछ युवा नेताओं के लिए रास्ता बनाना होगा, आपको बता दें। लेकिन अब ये राहुल गांधी को तय करना है कि वो चुनाव कैसे जीतेंगे। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस की तरफ से भी रणनीतियां बनाई जा रही है, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से रणनीतियां बनाई जा रही है, और जिसमें साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाया जा रहा है और चुनाव जीतने के लिए। तो आखिर लेकिन अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो 4 साल के अंतराल में सरकार बीजेपी ने जिस तरह का काम किया है, ना तो देखिए रोजगार को लेकर सरकार ने कदम उठाया, ना किसानों की समस्याओं पर कदम उठाया, ना ही जो है बात कर सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कदम उठाया, ना ही किसानों की बात सुनी, ना ही युवा वर्ग के जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके भविष्य की चिंता है। तो ऐसे में सरकार ने 4 साल में जिस तरह से लोगों को परेशान किया है या कह सकते हैं ठगा है, इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और 2019 के लोकसभा के चुनाव की मैं बात करता हूं, तो 2019 में अब की बार बीजेपी को झटका लगना तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देश की स्थिति है और जिस तरह से देखिए कैशलेस कैश की किल्लत भी यहाँ पर देखने को मिली है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए निगेटिव पॉइंट है। और जनता जनार्दन है, जनता सभी बात जानती है और जनता को पूरा पता है कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है, और सरकार की इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट भी करेगी। और अब की बार ऐसा बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट सामने आई है, जो समीकरण है, कि अब की बार बीजेपी के लिए कुछ अच्छा नहीं है। और इतना ही नहीं, 2019 में अब की बार बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स की तरफ मैं रुक कर लेता हूं। वहीं अपने फेसबुक पोस्ट को लेकर पूर्व विधायक भीमा मांडवी ने कहा कि उन्होंने यह पोस्ट नहीं किया था और वह पहले ही इस संबंध में खेद व्यक्त कर चुके हैं। मांडवी ने कहा कि 3 अन्य व्यक्ति उनके फेसबुक आईडी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि इस तस्वीर को किसने पोस्ट किया है। यानी कि कह सकते हैं कि एक तो गलती की है और उसके बाद वो स्वीकार करने को भी राजी नहीं है, तो ये बहुत गलत है। और राजनीति में जिस तरह की ये हरकत की जाती है, इससे राजनीति का स्तर गिरता है और पार्टी की मानसिकता भी पता चलती है। तो बीजेपी के नेताओं की जिस तरह की हरकत हो रही है, इससे बीजेपी को 2019 के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें भी झटका लग सकता है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।